Hello students, I am your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study subject English chapter 2. Name is Abu, a foolish man. So let's start. Many years ago, there was a foolish man. His name was Abu. He lived in Baghdad. One day he went to a fair. He saw many things there. He thought if he bought a donkey, he could carry heavy loads easily. He could also earn money by donkeys. So he bought 4 donkeys. From there, he rode one of them and the other donkeys followed after. बहुत साल पहले एक मूर्ख आदमी था, उसका नाम अबू था। वह बगदाद में रहता था। एक दिन वह मेले में गया, उसने वहाँ बहुत चीज़ें देखी। उसने सोचा अगर वह गधे खरीदेगा तो भारी सामान आराम से ढो सकता है, गधों से वह पैसे भी कमा सकता है। इसलिए वहाँ से उसने 4 गधे खरीदे। वह उनमें से एक पर बैठा और बाकी गधे उसके पीछे चले। ऑन द वे ही थॉट दैट ही मस्ट मेक श्योर दैट ऑल हिज डंकीज वर देयर। ही टर्न अराउंड एंड बिगन टू count them. He counted 1, 2, 3. Oh, where is number 4? Abu shouted loudly. He jumped down from the donkey and stood near to it. He looked behind the rock and the trees, but there was no donkey. He counted again 1, 2, 3, 4. Oh, he must have come back, Abu said to himself. रास्ते में उसने सोचा उसे पक्का कर लेना चाहिए कि उसके सारे गधे वही हैं। वह पीछे मुड़ा और अपने गधे गिनने लगा। टर्न द पेज। Abu ने गिने 1, 2, 3. ओह, अरे चौथा कहाँ गया? वह तेज चिल्लाया। वह अपने गधे से नीचे कूदा और उसके निकट खड़ा हुआ। उसने पर्वत और पेड़ों के पीछे देखा, मगर वहाँ कोई गधा नहीं था। उसने फिर गिना 1, 2, 3, 4. ओ, वह वापस आ गया होगा। When he was sure about the donkeys, he climbed back on the donkey and started forward. After a while, he counted his donkeys again. He counted only 3. Once more, he got down and looked behind the rocks and the trees. But there were 3 donkeys this time also. He thought that he would count them again. He counted 1, 2, 3, and 4. They are 4 again. क्या होता है कि जब वह अपने गधों को लेकर पक्का हो गया, वह दोबारा गधे की पीठ पर चढ़ा और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने गधे फिर गिने। उसने फिर 3 गिने एक बार और वह फिर नीचे उतरा और उसने पर्वत और पेड़ों के पीछे गधे को देखा। लेकिन उस समय भी यहाँ 3 गधे थे। उसने सोचा उसे फिर गिनना चाहिए। उसने फिर गिना 1, 2, 3, 4. यह फिर 4 हो गए। जस्ट एट दैट टाइम ही सा ए मैन वॉकिंग ऑन द रोड। ही कॉल्ड हिम एंड सेड हेल्प मी
in count my donkeys. When I turn to count, I have only 3 donkeys. But when I get down and count, they are 4. उसी वक्त उसने एक आदमी को सड़क पर चलते हुए देखा. उसने उसे बुलाया और कहा, मेरी गधे गिनने में मदद करो. जब मैं गिनने के लिए रुकता हूँ तो यह सिर्फ 3 होते हैं, लेकिन जब मैं नीचे उतरता हूँ और गिनता हूँ तो यह 4 होते हैं. दैट मैन अंडरस्टूड द मैटर. ही सेड दैट ही हैड सीन द 5 डंकीज. अबू गॉट कन्फ्यूज. हाउ वॉज दैट पॉसिबल? ही आस्क दैट मैन अबाउट इट. टर्न द पेज. द मैन सेड, आई कैन सी द डंकी यू आर sitting on and there and 3 donkey behind you. Abu said, of course, how silly I am, but where is the 5th donkey? He is sitting on the back of the 4th donkey. His name is Abu, said that man and went away. वह आदमी सारा मामला समझ गया. उसने कहा कि उसने 5 गधे देखे. अबू भ्रमित हुआ, ये कैसे मुमकिन है? उसने आदमी से इस बारे में पूछा. आदमी ने कहा, मैं गधे को देख रहा हूँ जिस पर तुम बैठे हो और 3 गधे तुम्हारे पीछे हैं. अबू ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं कितना मूर्ख हूँ, किंतु 5वां गधा कहाँ है? वह 4थे गधे की पीठ पर बैठा है, उसका नाम अबू है, आदमी ने कहा और चला गया. वोकैबुलरी. FOOLISH. फूलिश. फूलिश मीन्स मूर्ख. FAIR. फेयर. फेयर मीन्स मेला. DONKEY. डंकी. डंकी मीन्स गधा. HEAVY. हैवी. हैवी मीन्स भारी. RODE. रोड. रोड माने सवार हुआ. राइड का सेकंड फॉर्म रोड होता है, तो रोड माने सवार हुआ. SURE. श्योर. श्योर मीन्स निश्चय. LOUDLY. लाउडली. लाउडली मीन्स जोर से. ROCK. रॉक. रॉक मीन्स चट्टान. BEHIND. बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स पीछे. COUNTED. काउंटेड. काउंटेड मीन्स गिनना, या गिना उसने, तो काउंटेड. काउंट माने गिनना और काउंटेड मीन्स गिना. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. UNDERSTAND. अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. कन्फ्यूज. CONFUSED. कन्फ्यूज मीन्स भ्रमित हुआ. POSSIBLE. पॉसिबल. पॉसिबल मीन्स संभव. EARN. अर्न. अर्न मीन्स कमाना. BOUGST. वॉट. वॉट मीन्स खरीद लिए. टर्न अराउंड. TURNED. टर्न. AROUND. अराउंड. टर्न अराउंड माने पीछे मुड़ा. CLIMBED. क्लाइंब. BACK. बैक. क्लाइंब. बैक मीन्स पुनः चढ़ गया. MATTER. मैटर. मैटर मीन्स मामला. ग्रो विद ग्रामा. सो फर्स्ट क्या है? अपोजिट वर्ड, यानी कि विपरीतार्थक शब्द जिसका अर्थ विपरीत होता है, उल्टा अर्थ जिसका होता है विपरीत. EARN. अर्न. अर्न का मतलब होता है कमाना. इसका अपोजिट वर्ड स्पेंड, यानी कि खर्च करना. SPEND. स्पेंड. EASY. ईजी. ईजी का मतलब होता है आसान. इसका अपोजिट वर्ड DIFFICULT. डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन. BOUGST. वॉट मीन्स खरीदे. और SOLD. सोल्ड माने बेचे. इसी तरह से STOP. स्टॉप. स्टॉप्स का मतलब होता है रोकना. रोकना. START. स्टार्ट, यानी कि शुरू करना. इसका अपोजिट वर्ड है. BEHIND. बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स पीछे. पीछे का विपरीतार्थी शब्द इन फ्रंट, यानी कि आगे. INFRONT. फ्रंट. इन फ्रंट.
इसी तरह से फॉलोड यानी कि पीछे चला, किसी को फॉलो करना, FOLLOWED फॉलोड यानी कि अनुसरण करना, और इसका उल्टा LED लेट यानी कि आगे चला, आगे चले जाना। ओके, नेक्स्ट है नंबर्स यानी कि वचन। रॉक, रॉक मीन्स चट्टान, एक चट्टान को रॉक बोलेंगे, और इसी का प्लूरल नंबर क्या होगा, रॉक्स, S इसमें हम लगा देंगे तो हो जाएगा वो चट्टान है। इसी तरह से ट्री, ट्री का मतलब वृक्ष, यानी कि एक पेड़ होगा तो क्या बोलेंगे, ट्री, TREE ट्री, ट्री मीन्स पेड़, और बहुत सारे पेड़ों के लिए क्या करेंगे उसमें S जोड़ देंगे, TREES ट्रीज, ट्रीज यानी कि वृक्षों, बहुत सारे वृक्ष या एक से अधिक वृक्ष तो उसको हम वृक्षों बोलेंगे। डंकी, डंकी मीन्स गधा, DONKEY डंकी यानी कि एक गधा, इसी में हम क्या करेंगे S जोड़ देंगे, DONKEY डंकीज यानी कि गधे, एक से अधिक गधे। ईयर, YEAR ईयर, ईयर मीन्स वर्ष, और कई वर्षों के लिए या एक से अधिक वर्ष के लिए ईयर्स, उसमें S जुड़ जाएगा, YEARS वर्ष, वर्षों। MAN मैन, मैन मीन्स होता है आदमी, एक आदमी, और उसी को हम उसमें एक ही जगह ई लिख देंगे, MEN यानी कि बहुत सारे आदमी होते हैं उसके लिए MEN लिखते हैं, मैन, बहुत से आदमी, अनेक आदमी। थिंग, THING थिंग यानी होती है वस्तु, और उसमें S जोड़ देंगे तो THINGS थिंग्स यानी कि वस्तुएं। ग्रामर एंड वोकेबलरी, राइट द अपोजिट वर्ड ये होगा अपने, अगला पेज कैसे आएंगे, ये नेक्स्ट पेज पे आना है, ये लास्ट वाला पेज आ गया अपना, इसको देख लेते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, ये लास्ट वाले पेज को देख लेना आप, ये लास्ट वाला। बॉट, बॉट माने खरीदना होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सोल्ड यानी कि खरीदे। इसी तरह से फॉलोड, फॉलोड का लेड हो जाएगा, फॉलो माने पीछा करना और लेड माने आगे बढ़ना, ईजी का डिफ़िकल्ट, EASY ईजी इसका अपोजिट, DIFFICULT डिफ़िकल्ट। बिहाइंड, बिहाइंड का इन फ्रंट, ये तो हो गया ना कंप्लीट, ये तो हो गया, रॉक्स का रॉक हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सी, हिज नेम बाज, यहाँ आपको भर लेना है अबू, ABU अबू, अबू कर लेना यहाँ पे। इसका सेकंड है ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स, रॉक्स किस पे लेंगे, ROCKS रॉक्स। नंबर थ्री है ही लिव्ड इन बगदाद, बगदाद की स्पेलिंग भरी है इसमें, BAGHDAD बगदाद। इसके बाद नंबर फोर, दैट मैन अंडरस्टूड द मैटर, मैटर की स्पेलिंग भरेंगे आप MATER मैटर। नंबर फाइव है वंस मोर ही गॉट डाउन, DOWN डाउन। नंबर सिक्स, बट वेयर इज द फिफ्थ, इसमें बनाएंगे हम डंकी, DONKEY डंकी। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी,
इसको मिलाएंगे, ही बॉट, इसको मिला देंगे हम इसके आई बी वाले से, बी कॉलम में आई बी जो लास्ट नीचे है उसमें, उसको मिला देंगे फोर डंकी, फोर डंकीज। सेकंड नंबर का है ही टर्न्ड, इसको मिला देंगे हम अगेन पहले वाले से, बी कॉलम में जो नंबर एक पर है वो अगेन इससे मिला देंगे। नंबर थ्री है हिज नेम इज, नंबर थ्री को मिला देंगे हम सेकंड अबू से, ई ए बी यू अबू, यहाँ पर नंबर थ्री लिख देंगे। इसी तरह से नंबर फोर, दे आर फोर अराउंड, ये गलत छपा हुआ है शायद इसका, तो फिर नंबर लास्ट है ई एड एल वाई टू द वर्ड्स गिवन बिलो, लाउड, लाउड में हम एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लाउडली, एल वाई और लिख देंगे एल ओ यू डी एल वाई लाउडली, ई जी में ई ए एस वाई एल वाई ईजीली, इसी तरह से एस यू आर ई इसके साथ भी एल वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा श्योरली, एंड फोर सी ई आर टी ए आई एन इसमें भी एल वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा सर्टेनली, सी ई आर टी ए आई एन एल वाई सर्टेनली। कितनी बार कर दिया ये, यस दो दो बार हो गया। क्वेश्चन आंसर आप लोगों के इसमें डल जाएंगे।